नक्सलियों के खिलाफ मुंगेर डीआईजी मनु महाराज के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान को सफलता मिली है। नक्सलियों के मारक दस्ता के प्लाटून कमांडर गौरेलाल नैया गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रेगुलर, दो नाली बंदूक, 16 कारतूस के साथ नक्सली पर्चा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार नक्सली ने मनु महाराज के समक्ष उगले कई राज। दस्ते में शामिल महिला सदस्यों के भी बताए नाम। रेगुलर राइफल की जांच में जुटी पुलिस, एसटीएफ एवं मुंगेर पुलिस द्वारा मंगलवार को की गई संयुक्त कार्रवाई में लड़ैया टांड थाना क्षेत्र के न्यू पिसरा में छापेमारी कर नक्सली दस्ते का प्लाटून कमांडर गोरेलाल नैया को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने रेगुलर, दो नाली बंदूक, 16 पीस जिंदा कारतूस, मोबाइल एवं नक्सली पर्चा बरामद किया। पूछताछ में उसने 2 दर्जन घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया। साथ ही हाल में जमुई के मल्लेपुर में डकैती एवं लखीसराय के चानन में दोहरे हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। डीआईजी मनु महाराज ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नक्सली गोरेलाल नैया अपने घर आया हुआ है। इस सूचना पर एएसपी अभियान राणा नबीन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें लड़ैया टांड थाना पुलिस एवं जमालपुर एसटीएफ थी। पुलिस ने छापेमारी कर गोरेलाल नैया को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 नाली बंदूक, कारतूस, मोबाइल व नक्सली पर्चा बरामद किया गया। उसके खिलाफ लड़ैया टांड थाना में कांड संख्या 36/19 दर्ज किया गया, जिसमें अन्य धाराओं के अलावा यूएवी एक्ट लगाया गया। गिरफ्तार नक्सली को जेल भेज दिया गया। गोरेलाल मूल रूप से लखीसराय जिले के पीरी बाजार थाना क्षेत्र के मनियारा गांव का निवासी है, जो वर्तमान में न्यू पैसरा मुंगेर में रहता है। वह पिछले 10 साल से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ है। गोरेलाल जिस प्लाटून का कमांडर है, उसमें 30 सदस्य हैं और उसमें 6 महिला शामिल हैं। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 15 से 20 मामला दर्ज है, जिसको पुलिस खंगाल रही है। उसने 2 दर्जन से अधिक नक्सली मामले में संलिप्तता स्वीकार किया है। जो 2 नाली बंदूक उसके पास से बरामद हुआ है, वह बंदूक नक्सली लीडर ने उसे बहुत पहले दी है, जो किसी से छीना हुआ है। पुलिस बंदूक पर अंकित नंबर के जांच कराएगी। गोरेलाल नैया नाम के एक हार्डकोर नक्सली को मुंगेर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर, लखीसराय एवं जमुई में लगातार नक्सल के खिलाफ एवं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में इसको पकड़ा गया है और इसके पास से एक रेगुलर राइफल भी बरामद किया गया है और कई राउंड गोली बरामद किया गया है। इनसे विशेष पूछताछ की गई तो पता लगा कि ये पुराने कई कांडों में फरार थे। इनका नाम कहीं ओपन रूप से नहीं आया था, परंतु इन्होंने कई कांडों का खुलासा किया है और अपने दस्ता के कई जो सदस्य हैं उनके बारे में भी बताया है, जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं और किस परिस्थिति में भटक चुके हैं, पर वो आजकल अपराधी का रूप धारण कर लिए हैं। हम लोगों का भरपूर प्रयास है कि उनको मुख्य धारा में लाएं और ये लगातार जो अभियान हमारा है जारी रहे। इसे जो प्लेटून में उसको लीड करके चलता था, इसको दिया गया है जो नक्सली नेता इनके हैं उनके द्वारा इसको लीड करवाया जाता था। और इसमें हमने देखा कि रेगुलर उसमें आर्सेनल नंबर लिखा है, उसका सत्यापन हम लोग करवाएंगे कि वो कहाँ से लाया गया है। सर मुख्य रूप से गोरेलाल का सर प्लेटून कमांडर बताता है, काफ़ी साल से कहता है कि पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ है दस्ते में। दस्ते में कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी उजागर नहीं हुआ है और गांव से भटके हुए लोग वो हैं, कई लोगों को शामिल करना चाहते हैं। तो मेरी यही अपील है कि लोग मुख्य धारा से जुड़े, पढ़ाई करें और मेन स्ट्रीम में आकर आगे बढ़ें।